मैं हूँ कोमल नकवी। प्रोग्राम टी टाइम विद कोमल में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, टी टाइम में वैसे तो मैं आपकी बहुत सारी पर्सनालिटी से मुलाकात करवा चुकी हूँ, ठीक है। डिफरेंट पर्सनालिटीज़ मेरे पास आई हैं, डिफरेंट स्टार्स आए हैं, सिंगर्स आए हैं, उन सबसे आपने गपशप उनकी सुनी और उसको मे बी इन्जॉय भी किया हो। लेकिन आज ना थोड़ा सा मैंने मिक्स आपके लिए फ्लेवर निकाला है। मेरे पास इस वक्त दो सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्हें आप अक्सर बेशतर देखते भी रहते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने जो एक गेस्ट हैं आपका इंट्रोडक्शन मैं करवाऊंगी। नईम अहमद अवान मेरे पास मौजूद हैं मेरे स्टूडियो में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और आज हमें टी टाइम में हमारे साथ गपशप करने के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम, कैसे हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। और बताइए आपकी क्या चल रहा है आपकी सियासत में आजकल? बस सुबह जिए भुट्टो, दोपहर में जिए भुट्टो, रात जिए भुट्टो, जिए भुट्टो भुट्टो ही चल रहा है 365 दिन। भुट्टो को आपने फुल टाइम एंटरटेन किया हुआ है इसका? हाँ, उसकी वजह ये ना, कामयाबी दुनिया में चाहते हो तो अली बे पे यकीन रखना है। अली से सरासिब जरदारी है, फिर बे से बिलावल भुट्टो है, बे से बख्तावर भुट्टो है, बेनसीब बे से बेनजीर भुट्टो है, और पे से पीपल्स पार्टी है। अली बे पे यकीन करके आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। क्या बात है, देखिए इन्होंने अली बे भी अपनी बना ली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अच्छा चले, आपको मैं आपको अपने दूसरे मेहमान से मिलवा देती हूँ। देखिए, सेहतमंद होना बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। सेहतमंद जिंदगी हर बंदे की ख्वाहिश होती है। कुछ इसी से रिलेटेड आज मेरे पास ना आपके दो ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट हैं। मेरे पास जो है वो पाकिस्तान के कामयाब, मैं क्योंकि रेसलिंग से आपको पता है कि पाकिस्तान में ना बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़े हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो रेसलिंग के लिए जो काम कर रहे हैं अब तक, जिनका नाम आपने देखा होगा, सुना होगा, उन दो पर्सनैलिटीज़ को मैंने अपने पास बुलाया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिलाल आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आई एम गुड। बिलाल, क्या राज है इस फिटनेस का? शौक, क्योंकि फिटनेस जो है बेसिकली फिटनेस इज अ की टू लिव लाइफ। तो फिर इस चीज को आजकल के दौर में कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत इजी लाइफ हो गई है। लेकिन मेरा शौक था प्रोफेशनल रेसलिंग का, चाइल्डहुड ड्रीम था, उसको पूरा करने के लिए जो है अपनी फिटनेस को मेंटेन किया। ओके, अच्छा, इसी के साथ एक और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी रेसलिंग से ही रिलेटेड हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जीशान। अस्सलाम वालेकुम जीशान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम कोमल, आप कैसे हैं? ठीक हैं, आई एम गुड। अच्छा जीशान, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हम बिलाल को देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखा, तो आपकी इस फिटनेस का क्या राज है? असल में आपने एयरपोर्ट देखे होंगे कि उधर मल्टीपल जहाज उतरते हैं, तो ये है कि ये लोग जहाज है, मैं एयरपोर्ट हूँ। ओके, तो ये हिसाब किताब है कि इनके सारी जितनी भी फ्लाइट है ना, तो मेरे एयरपोर्ट पे उतरती है, तो मैं और मेरी टीम है, बिलाल भाई सब भी साथ हैं, और एक मुस्तफा अली खान है, तो हम लोग फाउंडर है पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग के। और 2017 तक ये प्रो रेसलिंग आई नहीं थी पाकिस्तान में, तो हम ही लोग लेकर आए थे इसको, बिलाल भाई, मुस्तफा भाई, हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में, और इसको अब आगे लेके चलने 5 साल में। ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं और माशाल्लाह से अब वेल नोन हो चुके हैं, सिर्फ कराची या पाकिस्तान की सतह तक नहीं, पूरे एशिया की सतह तक हम लोगों को जाना जाता है, और अब तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी हमें पहचानने लग गए हैं माशाल्लाह से। अच्छा, तो ये डे बाय डे हम लोग ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र। अच्छा नहीं, आप मुझे ये बताएं कि सियासत करने का शौक है आपको? सियासत जो है वैसे ही बात करना है, ऑलरेडी कोई था आपके रिलेटिव या खानदान में कोई सियासत में था? नहीं, मैं सियासत में आस्थाती तौर पे नहीं आया, सियासत के अंदर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड होता है, और सियासत वैसे भी इबादत का नाम है, और सियासत के अंदर जो लोग आते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो ज़र्रियात की सियासत करते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो डिफाल्टर होते हैं, क्राइम करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी पार्टी के झंडे के नीचे वो अपना शेल्टर ढूंढते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नज़रियाती लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सारा दिन जो है वो सेल्फियाँ लेते हैं, आप कहीं लीडर मिल जाए तो यहाँ से तस्वीर तो एक, वहाँ से तस्वीर, वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए होते हैं। तो हम लोग जो है वो नज़रियाती सियासतदान हैं, और यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो यही हैं कि पार्टी का दिफा करना हर उस जगह पर जो पार्टी का स्टैंड है, जो पार्टी जहाँ खूबसूरत जो काम करने जा रही है, जो खूबसूरत काम किए हैं इस मुल्क की बका की जंग के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, उनको जो है वो हाईलाइट करने और पार्टी स्टांस को जो है वो आगे तक जो है वो डिलीवर करना। तो ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता रात को आंख बंद हुई, जैसे यहाँ पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग हैं, उसमें से 22 करोड़ 99 लाख और 9,999 लोग जो है वो रात को सोते हैं, कितने सुबह अरबपति हो जाएँ, हालांकि वो अरबपति नहीं फिर करोड़पति होते हैं। ऐसी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए
आपको जो है वो अपनी दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए अपनी रातों को जागना पड़ता है। तो सियासत के अंदर भी होता ही है कि जो आगे निकल गया, जिसकी लकीर बड़ी, जो ज़्यादा मेहनत करता है वो आगे चला जाता है, लेकिन हमारा जो पीछे बैकग्राउंड की बात करूँ, मेरे वालिद साहब हैं, मेरे जो मेरे दादा थे, मेरे दो मामू जो है वो सियासत से उनकी अटैचमेंट है। और बात यह है कि जो उनको हमने देखा, जिस तरीके से उन्होंने अपने हल्के अहबाब की खिदमत की और जिस तरीके से उन्होंने लोगों की मदद की, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी यार अभी नसीब अल्लाह खैर करेगा। चलो, मींस कि आपका जो है वो बैकग्राउंड है सियासत से है? जी हाँ, बिल्कुल सियासत से बिल्कुल बैकग्राउंड है और उसी को ऑनर कर रहे हैं। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ये सियासत आपको बोरिंग नहीं लगती? नहीं, शुरू के अंदर क्योंकि कराची की पॉलिटिक्स जो है वो बहुत मुश्किल पॉलिटिक्स थी। सियासत करना 2000 खास तौर पे 18 से पहले यहाँ बड़ा मुश्किल काम होता था। और मुझे याद है कि मुझे तकरीबन 11 साल हो गए पॉलिटिक्स के अंदर। मैं स्टूडेंट यूनियन से मैं पॉलिटिक्स के अंदर आया और वहाँ से फिर यूथ की कमान जो है वो जिम्मेदारी के साथ संभाली। सियासत के अंदर होता ही कि कराची के अंदर यहाँ जब हमने सियासत के अंदर कदम रखा था तो यहाँ कराची के अंदर सियासत कुछ और होती थी। यहाँ जो है वो बोरीबंद की सियासत थी, कलाशनकोव की सियासत थी, या भत्ते की, या जो कल्चर था वो कल्चर को मद्देनजर रखते हुए मेरी फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस थी, सख्तियां थी। मेरे साथ 2 साल बायकॉट रखा, सोशल बायकॉट रखा। इवन ये कि मैं चाबी मुझे दे दी गई थी, घर आना हो तो खुद अपने दरवाज़ा खोल के आना, नाश्ता मैं फिर बाहर करता था, रात का खाना, दिन का खाना। आखिरकार 2 साल बाद फैमिली समझ गई कि बोला इसने सुधरना नहीं है, इसने पॉलिटिक्स करनी है। तो बहरहाल अब तो अल्लाह का शुक्र है कि अब वो हालात नहीं रहे कराची के, जो हालात हमने माजी में इस कराची को हमने देखा। अब अच्छी सियासत है, अब खुला मैदान है, जो खिदमत करेगा इस कराची के अंदर कराची के लोगों की, लाजमी सी बात है वो अपनी जगह बनाएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लियामेंट की बालादस्ती रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है और एक बड़ी जमात है, शहीदों की जो है वो एक जमात है। और हमारा जो मोटो है, हमारा जो फोकस है, रोटी कपड़ा मकान। अलहमदुल्ला सिंध सूबा जो है वो आपको पता है कराची उसका कैपिटल है और हमें प्राउड है कि कराची के अंदर। अच्छा, ये जो आपका नारा है, ठीक है, इस पे कितने अमल पैरा हैं आपने? बिल्कुल, इस पे अक्सर लोग सवाल ये मुझसे करते हैं कि आप रोटी कपड़ा मकान अगर आप दावेदार हैं और कराची के अंदर आपका सिंध के अंदर आपका मैंडेट है, कराची कैपिटल है, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कराची जो है वो बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अच्छा, पूरे मुल्क के अंदर कोई ऐसा शहर नहीं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो। मतलब बात ये कोई रंग नस्ल, कोई कौम, मतलब मुख्तलिफ कौमों के लोग इस कराची के अंदर रिहायश पजीर हैं। कोई सूबा ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत है। आज हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो हमें आज इस बात का प्राउड है कि आज केपी के अंदर से मेरा खुद ताल्लुक केपी के से, वहां से जो है वो कारपेट बेचने वाला पठान भी जो है ना इस कराची का रुख करेगा, कभी लाहौर नहीं जाएगा। इस कराची के अंदर बात की मूंगफली बेचने वाला हो, चाहे वो नस्वार बेचने वाला हो, चाहे वो होटल वाला हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, इस कराची का रुख करता है। और पंजाब की अगर बात करूं, पंजाब से फिर आपके बहुत सारे ताजिर हैं, मिनी ताजिर हैं, चाहे वो घर के सगार जो है वो मासियां हो या काम करने वाले लोग, कराची का रुख करेंगे। बलूचिस्तान से वहां, चाहे वो चौकीदार की ड्यूटी करने वाले हो, चाहे कारोबार करने वाले हो, या ताजिर हो, या इंडस्ट्री लोग, बलूचिस्तान का भी लोग जो है कराची का रुख करते हैं। तो रोटी कपड़ा मकान हमारा अगर नारा है, तो रोटी कपड़ा मकान इस कराची से लोग हासिल करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि रोटी कपड़ा मकान का जो नारा हम साबित करके देते हैं, और आज भी अल्लाह का शुक्र है साबित कर रहे हैं और आगे भी साबित करते रहेंगे। चले, हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ तो अच्छा कर रही है हमारे लिए। कर तो बहुत कुछ अच्छा रही है, सिर्फ तो अच्छा फिर बात ये ना कि हम सिर्फ ये कि सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनते। और मेरे कई इख्तलाफात रहे पार्टी के अंदर, कई अपनी सीनियर क्यादत के साथ, की बात ये कि हम बहुत काम करते हैं, मतलब बहुत कुछ डिलीवर करते हैं, लेकिन हम हाईलाइट नहीं करते। अब हाईलाइट करना चाहिए हमें, मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट हमारे ओन होते हैं, मैं दूर ना जाए, थरकोल हमने जब यहाँ तोहफा दिया पाकिस्तान को, तो हम पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। अमेरिका जैसे मुल्क की तरफ से हमें चैलेंजेस थे, इंडिया की तरफ से हमें थ्रेट था कि ये जो अगर थरकोल चलेगा तो इससे जो है वो धुआं फैलेगा, फुरसूटर होगा, ये होगा, वो होगा, गर्द-ओ-गुबार होगा। हमने साबित करके दिया, आज हम वहाँ तकरीबन 950-900 मेगावाट बिजली हम निकाल के पूरे पाकिस्तान को सप्लाई दे रहे हैं। थरकोल एक बड़ा मंसूबा था, फिर बेनजीराबाद हाउसिंग सेल हमारा तकरीबन अभी भी तकरीबन समझ लें कि 7000 लोगों को 60 गज के मकानात बना के, मतलब 2 कमरों के मकानात, सेन वॉशरूम तैयार करके सिंध हुकूमत ने ना लोगों के हैंडओवर की। कहने का मतलब ये
कम से कम 60,000 जो है वो घरों का प्रोजेक्ट है, लेकिन वो आपने भी अभी सुना होगा, अगर आप जाएं यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, या बहुत आसान तरीका है, सेंट गवर्नमेंट के न्यू प्रोजेक्ट देख लें, स्कीमें देख लें जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कम नजर आएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक हमारी बदकिस्मती रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, अदलिया के हथौड़े, नेब की हथकड़ियां, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो मीडिया ट्रायल है, हमारी हर नेगेटिव एक्टिविटी दिखाएगा लेकिन पॉजिटिव चीज नहीं दिखाएगा। कभी दिखाएगा गोले कंडियाले के अकाउंट से निकल गए, गोले कंडियाले के अकाउंट से निकल गए, हम तो कहना आज भी दिखाओ। अगर हम इस डिबेट में जाएंगे ना तो नहीं साहब तो हमें मौका देना ही नहीं, वो फुल टाइम अपनी सियासत हमें बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर क्या रही है। अब मैं बिलाल की तरफ आती हूँ, बिलाल मुझे ये बताइए कि शुरू से शौक था रेसलिंग का, ये कोई किसी से इंस्पायर्ड थे आप? नहीं, शौक तो डेफिनेटली किसी ना किसी को इंस्पायर कर कर ही वो आता है। एक्चुअली मैंने फर्स्ट मैच देखा था शॉन माइकल वर्सेस ब्रेट हार्ट का, तो 1997 की बात है, मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब के नाम से वो मैच बहुत फेमस है। तो उस दिन से ही जो है ना, मैंने फैसला किया कि भाई आई वॉन्ट इट टू बी लाइक शॉन माइकल्स। तो उस दिन से ही जो है ना, मतलब समझ लें मैं उस वक्त मेरी एज 3 साल थी, और उस दिन से मैंने यही सोचा कि भाई बड़ा होके बनना ही रेसलर। और फिर वो इतना लंबा सफर जो है, मतलब जैसे जैसे बड़े होते गए तो बड़े बोलते गए कि भाई ये बच्चा है, अभी बड़ा होगा माइंड चेंज हो जाएगा। तो फिर उसके बाद बड़े हुए, फिर कोई पूछता भाई बड़े होके क्या बनोगे आप, ऐसे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े होने जा रहे थे, यही बोलते भाई आई वॉन्ट टू बी अ रेसलर। पाकिस्तान में आप लोगों को पता है, बच्चा जब इंटरमीडिएट में आता तब तक उसके पेरेंट्स ने या किसी भी बड़े ने उसको एक कैरियर हाईलाइट नहीं बताई होती, कि बच्चा उस वक्त सोचता है कि यार मैं क्या बनूंगा, इंजीनियर या डॉक्टर। तो ये चीज आपने नहीं सोची कि मुझे इंजीनियर या डॉक्टर या कुछ ऐसा होना चाहिए? मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी एक्सीडेंटली जो है मैं जुडिशरी में आ गया हूँ, और लॉ मैंने किया। तो LLM का स्टूडेंट हूँ मैं अभी, और LLB कर चुका हूँ, और मैं एज अ फोकल पर्सन मॉडल कोर्ट में जॉब करता हूँ। तो ये है कि मतलब हमेशा से बनना मुझे रेसलर ही था। तो गलती से मैंने एक दफा इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया भी था, लेकिन एडमिशन लेने के बाद मुझे आइडिया हो चुका था कि मेरे पेरेंट्स के सामने आज जोड़ लिए, पेरेंट्स जो मैं चाहता हूँ लेट मी डू दिस, आप लोगों का इंशाल्लाह कभी सर नहीं झुकेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मेरे पेरेंट्स, अब पूरे पाकिस्तान का ही जो है ना सर फखर से ऊंचा ही करता। तो उनकी तरफ से आपको कोई ऐसा नहीं था कि नहीं आपको ये नहीं करना है, बस आपने कोई ऐसा पेशा इख्तियार करना है किसी ऐसी फील्ड में आना, लाइक डॉक्टर इंजीनियर इस टाइप का? ये चीज उनकी तरफ से तो नहीं, लेकिन उनकी भी अपनी बात एक जगह सही थी, क्योंकि पाकिस्तान में जब हमने प्रो रेसलिंग करने का सीखा ना, तो सबसे पहले तो यही सोच आती है कि यार आई हैव टू ज्वाइन WWE, बट WWE इज नॉट हियर इन पाकिस्तान। For joining WWE, we have to work more harder and we have to go to USA and then join WWE. लेकिन वो इतना बड़ा सफर है, आपको पता है, एक तो मतलब ये जो गोरी चमड़ी है वो तो हम लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते। तो हमने सोचा why not in Pakistan? हमने कहा चलो सही है, उनसे सीख के we have to come back to our country. और उसके बाद जो है इस चीज को हम यहीं लाएं, क्योंकि एक मैं थोड़ा पेट्रियोट टाइप का बंदा हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि मतलब जो चीजें, मतलब आप हमारे बहुत सारे आप लोगों ने पाकिस्तानी देखे होंगे, एजुकेशन यहीं की लेते हैं, पूरी लाइफ यहाँ गुजारते हैं, वहां जाते हैं, फिर उनकी गुलामी करते हैं और वहीं पर सेटल हो जाते हैं। हम गए, हमने रेसलिंग सीखी और सीख के यहाँ। कितना टाइम लगा ये सारी चीजें आपको सीखने में? सब ये ट्रेनिंग हमारी जो होती है, कम से कम समझ ले, वैसे तो एक रेसलर बनने के लिए आपको 3 साल की ट्रेनिंग मस्ट है करनी पड़ती है। अच्छा, लेकिन हमारे पास इतना तो टाइम था भी नहीं, और ना इतनी मतलब हमारे पास मतलब चीजें थी कि हम यहाँ इसको इतना टाइम दे सकें। एक साल में जो बिगनिंग लेवल का हम सीख सकते थे वो सीख के फिर हम पाकिस्तान है और यहाँ पे फिर इस चीज को हमने फाउंड किया। मींस कि काफी स्ट्रगल किया है आपने यहाँ तक आने के लिए। हमारे साथ जीशान मौजूद है, जीशान आप फाउंडर है। अच्छा, पहले एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, मैं भूल जाऊंगी, मैं चाहती कि मैं आपसे पूछ लूं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपका, मेरे पास एक निकनेम आया था, इसकी क्या स्टोरी? जो रेसलिंग इंडस्ट्री में मैं कहलाया जाता हूं कोहू ब्रैंडन, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं 3 साल की उम्र से रेसलर बनने का मतलब ड्रीम था। अगर शायद मैं जवानी में आगे सोचता तो शायद रेसलिंग इंडस्ट्री में मुझे लोग समझते हैं बूढ़े हो गए, मेरा मतलब जब करियर पाथ चॉइस करने का जो आता है मौका, तो अब जाहिर सी बात है उस टाइम ही मैंने एक नाम प्लान कर लिया था कि यार हर रेसलर की अपनी एक पहचान होती है, इवन एवरी रेसलर, आप अंडरटेकर का भी नाम अंडरटेकर नहीं है, हिज रियल नेम इज मार्क कैलोवे, शॉन माइकल का नाम भी शॉन माइकल नहीं, माइकल शॉन हेकेनबॉटम उसका नाम,
बटिस्टा का नाम भी डेव बॉटिस्टा है, नॉट बटिस्टा. तो इसी तरह जो है मैंने भी एक बचपन में एक नाम डिस्कवर किया था, और कोवू का मतलब ही जो है स्कार है, यानी चोट का जो निशान होता है. और ब्रैंडन जो है वो एक मतलब ही वॉज अ ग्रेट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश. तो कोवू ब्रैंडन का मतलब ही जो है वो चोट का बादशाह बन जाता. तो ये बचपन से ही जो एक नाम हुआ. अच्छा बिलास, इसकी बाकी की स्टोरी मैं जरूर सुनूंगी कि क्यों इतने ज्यादा ये स्कार से जो है वो इंस्पायर हो गए. लेकिन एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो इस गपशप को कंटिन्यू करेंगे. सो स्टे विद अस, टी टाइम विद कॉमन. वेलकम बैक जी, टी टाइम विद कोमल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ. ब्रेक पे हम चले गए थे और बिलाल से हमारी बात हो रही थी, और बिलाल हमें अपने बारे में बता रहे थे कि अपने नाम की स्टोरी मुझे बता रहे थे. तो आगे का मुझे इसका कोई स्कार का होना ये क्या जरूरी है, कोई और नाम भी तो हो सकता था. बेसिकली हर रेसलर के नाम के पीछे, क्योंकि देखें एक प्रॉपर ना स्टोरी होती है, हर कैरेक्टर के पीछे एक स्टोरी होती है. जैसे आप अंडरटेकर को ले लें, तो अंडरटेकर को हम अगर उर्दू में अगर हम कन्वर्ट भी करते हैं उसका मतलब बनते हैं मतलब कबर खोदने वाला, कबर खोदने वाला, राइट. तो इसी तरह जो है, और मैं जो जिस तरह की रेसलिंग का हमेशा फैन रहा हूँ, मैं एक्चुअली आप लोग अगर 90s की रेसलिंग में जाएं तो आपको तीन कंपनीज के नाम सुनने में मिलते होंगे, जिसमें एक WWE तो होता था, हाँ, वो तो बहुत ही फेमस, दूसरा एक WCW होता था, और एक इन दोनों के बीच में ना एक बड़ी गरीब सी पिस्ती हुई कंपनी थी जिसको काफी, मैं उस कंपनी का फैन था. ओके. उसमें होती ही टोटल हार्डकोर रेसलिंग थी, और हर वक्त मतलब किसी के शीशा मार दिया, किसी को हैमर मार दिया. तो इवन के कभी कभी उनकी जो रोप्स होती थी उसके अंदर जो है करंट होता था, कि जो रेसलर उस पर टच होगा उसको करंट लगेगा. कभी कभी उस पर फायर होता था. मैं उस रेसलिंग का फैन था. क्या जरूरत है भाई, तो बस शौक होता है, everyone have their own desire. ये तो है. अच्छा जिशान भी हमारे साथ मौजूद है. जिशान, आपके फिटनेस का क्या राज है? मेरी फिटनेस अगर है तो मैं राज जरूर बताता, फिलहाल अभी है नहीं तो राज सबकी रख ही लेता हूँ. लेकिन ये है कि मेरी माइंड फिटनेस बहुत ज्यादा ही तेज है. हाँ. जिसकी वजह से शो ऑर्गेनाइज करना, शो हैंडल करना, जो मल्टीपल टास्क होते हैं एक शो के, क्योंकि एक शो बिल्कुल एक इजीली नहीं हो जाता है, एक इवेंट आता है उसमें काफी हर्डल्स होते हैं, काफी मेहनत होती है, इसकी मार्केटिंग होती है, रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होती है, तो उन चीजों को गैदर करना बहुत मुश्किल होता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें गैदर करके एक सक्सेसफुल शो दे देता हूँ मैं. और ये है कि अब तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में नहीं, अब हमारे शोज जो है वो नेपाल में भी हो रहे होते हैं. अच्छा. और उसमें मल्टीपल कंट्रीज के लोग आते हैं, अमेरिकन आते हैं, नेपाली आते हैं, इंडियन आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, तो वो भी एक मुश्किल होता है कि पाकिस्तान में बैठ के और नेपाल के शो को ऑर्गेनाइज करना कि किस तरह चलेगा, क्या होगा, एक एक चीज, तो ये बड़े मुश्किल मामला होते हैं सबको चलाना. अच्छा फर्स्ट आपका जो मुकाबला था उसके बारे में मुझे कुछ बताएं. अच्छा फर्स्ट मुकाबले तो हम लोग यहाँ लोकल लेवल पे काफी करवाते रहे. नहीं यहाँ पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान से बाहर. पाकिस्तान से बाहर जो मेरा जो फर्स्ट मैच जो था ना वो बेसिकली था अगेंस्ट इंडियन. Okay. अच्छा वो वाकई मेरे लिए काफी इमोशनल एक तो मोमेंट था, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की तो राइवलरी का किसी भी गेम में या इवन पॉलिटिक्स में किसी में भी लेने तो जो है हमेशा एक एंटरटेनिंग वो भी रहता, और पब्लिक जो है वाकई में जो इस चीज को एंजॉय करती है कि यार इंडिया और पाकिस्तान का हुआ. अच्छा प्रो रेसलिंग हिस्ट्री के अंदर इवन WWE में भी कभी ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं हुआ था, हालांकि उनके पास बहुत अच्छा चांस था कराने का, कि उनके पास बहुत अच्छे इंडिया और पाकिस्तान के रेसलर थे. तो अब ये है कि अब मुझे जब मौका मिला ये करने का तो अच्छा उस वक्त आ गया कोविड. ओके. कोविड आ गया और वो मैच जिस बड़े लेवल पे होना था वो नहीं हो सका. लेकिन फिर भी उस मैच की हाइप इतनी हो गई कि मुझे पाकिस्तान में बहुत जो है उसमें पजीराई भी मिली. अच्छा उसके अंदर जो है मैं पाकिस्तान में एज अ फर्स्ट रेसलिंग एशियन चैंपियन बन के वापस आया. और डेफिनेटली जब मैं चैंपियन बना तो इसका मतलब यही था कि मैंने इंडियन रेसलर को हरा दिया था. जबरदस्त. तो आप समझ लें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला विनर ही पाकिस्तान. तो ये जो है काफी एक प्राउड और जो है इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए. और फिर उसमें सोने पे सुहागा ये कि वो मैच हुआ था नेपाल में. ओके. तो अच्छा उस वक्त समझ लें पाकिस्तान से एज अ प्रो रेसलर बाहर जाने वाला पहला शख्स भी मैं ही था. तो जिसके बाद से जो है मल्टीपल मतलब दुनिया को पता चला पाकिस्तान में रेसलिंग हो रही है. और फिर उसके बाद फिर मल्टीपल रेसलर्स फिर गए, जैसे जॉर्डन गया, फिर शेर खान गया और तलहा अली गया, और इस वक्त करंट फिर एशियन चैंपियन भी शेर खान ही है. तो मल्टीपल जो है ना मतलब हमारे रेसलर फिर गए. तो वो बस समझ लें उसमें सबसे इमोशनल चीज ये थी कि बेसिकली एक तो मैच हुआ था एक हिंदू कंट्री में,
और हिंदू कंट्री में सबने इंडियंस को छोड़कर जो है पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो डेफिनेटली उस टाइम जो है ना एक इमोशन के वजह से जो है ना मतलब ड्यूरिंग मैच ही आंखों में आंसू आ गए। वैसे भी अपने हरीफ के तौर पे देखते हैं ना हर गेम में। एग्जैक्टली नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है, हम अपने स्पोर्ट्स के अंदर अगर बात करें तो मेरी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग, इवन मुझे अपनी आवाम से शिकायत ही है कि मेरे फैंस जो हैं वो इंडियंस और नेपालीज हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में इसका ट्रेंड बहुत कम है ना, इसलिए इसलिए आपके जो फैन है वो नहीं, नहीं, से ज्यादा निकल कर आते हैं। पाकिस्तान में इसका ट्रेंड कम नहीं है, क्योंकि देखें मैं आपको एक एग्जांपल देता जाऊं, आपके अपने भी घर में यकीनन छोटे भाई बड़ा भाई या बेबीज होंगे, तो जो घर से बाहर नहीं भी निकले होंगे ना घर पे बैट पे फाइटिंग जरूर करते होंगे। तो ये मैं आपको बताया चलूं, पाकिस्तान में स्पोर्ट था नहीं तो इस वजह से प्लेटफॉर्म नहीं था, वरना इसका जो स्कोप है ना अगर इसको प्रॉपर इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं यहाँ पर तो क्रिकेट से ज्यादा आगे निकलेगा। क्योंकि देखें हर बच्चा जो है ना बैट पकड़ के बाहर क्रिकेट खेलने से पहले जो है वो घर में अपने जो है ना रेसलिंग करता। तो अब और हमें भी इस चीज का पॉजिटिव ही रिस्पांस मिला, हम लोग ऑलमोस्ट समझ लें 2016 से अब तक तकरीबन समझ लें 20 तक इवेंट्स करवा चुके हैं जिसमें इंटरनेशनल आए भी, हम भी बाहर गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी शो में मतलब एक हमें डिसअपॉइंटमेंट का फेस नहीं करना नहीं करना पड़ा। अच्छा, हमारे साथ नईम अवान मौजूद है। नईम साहब, आप मेरे मुझे मालूम हुआ है कि आप लोग एक दूसरे से बड़ा अच्छा ताल्लुकात है आप लोगों के। हाँ नहीं बिलाल, क्योंकि स्कूल के अंदर जो इस वक्त इसकी एक्टिविटीज हैं और ये कोई छोटा काम नहीं होता है कि इवेंट को ऑर्गेनाइज करना और ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ वसाइल की कमी हो, वसाइल की कमी जहाँ होती है तो वहाँ मसाइल ज़्यादा होते हैं। एक प्रोग्राम में बिल्कुल इन्होंने मुझे एक उसके अंदर मुझे इन्होंने बुलाया था एज अ चीफ गेस्ट और मैं अभी थोड़ी देर पहले भी इनका शुक्रिया अदा किया। ये हमारा प्राउड है और माशाल्लाह से, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हमारा जो कौमी खेल है वो हॉकी है और हमारा जो कौमी लिबास है वो सलवार कमीज है, लेकिन बात यह है कि हॉकी जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होती है झगड़ों में और सलवार कमीज जो हमारे पास इस्तेमाल होती है वो इसलिए कि चलो खुले दुल्ले हो गए और नहीं तो कहीं बरसात आ जाए तो बरसात के अंदर आदमी स्विमिंग पूल के अंदर नहाने में आसानी हो, वरना तो पेंट शर्ट में परेशानी का जो है वो बहस बन जाता है। लेकिन बहर क्योंकि स्पोर्ट अब ऐसी चीज है, क्योंकि एक कमिटमेंट का नाम है स्पोर्ट ना, एक कमिटमेंट है, किसी कमिटमेंट जब बच्चा कहीं जाता है खेलने के लिए, इनके पास भी इनके स्टूडेंट्स होंगे वो आते होंगे, उनको पता है कि हमने अगर 8 बजे हमारा वहाँ प्रोग्राम स्टार्ट होना है या 8 बजे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है तो 8 बजे हमने पहुँचना है। ये कमिटमेंट होती है और कमिटमेंट ये बच्चों के अंदर जो कमिटमेंट वाला जो ये एक थोड़ा से कराची के अंदर थोड़े से मामलाते हैं, ये जो दूरी है ये कमिटमेंट जो है वो स्पोर्ट ही पूरा करती है और माशाल्लाह से ये हमारे जो है वो इस वक्त जो एक्टिविटीज इनकी चल रही हैं, मैं इनके जब इवेंट में गया था तो मैं मुझे याद है कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं 20 मिनट या 25 मिनट में आपके पास रहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा जो है वो इम्प्रेस हुआ इनके उस इवेंट से कि मैं 1.5 घंटा वहाँ बैठा। तो उसके बाद मुझे जब माइक इन्होंने दिया तो मैंने ये बात जिक्र किया कि हम बचपन में देखते थे कि वो जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो है वो ये रेसलिंग के शोज हम देखते थे, कभी अंडरटेकर तो कभी जो है वो फला तो कभी फला, आज अपनी आंखों से देखा। लेकिन मैं डर भी गया, उसकी वजह है कि रेसलिंग के अंदर होता ही है कि या तुम मुझे मारोगे या मैं तुम्हें मारूंगा, उसमें ऐसा होता है कि जहाँ इनकी रेसलिंग हो रही होती है वहां से उठा उठा के बाहर भी फेंकते हैं। अच्छा, एक जो है एक उठा के बिलाल भाई ने फेंका, जो बाहर फेंका ना तो मेरे घोड़े बच गए, वो आके सीधा आके मेरी टांगों के अंदर सब घेरा। तो मैं ही सोच रहा था, मैंने कहा खुदा ना खास अगर ये मेरे टखने पे मेरे घुटने पे या पाओं पे गिर जाता तो 2 से 3 फ्रैक्चर कन्फर्म होने थे। लेकिन बहरहाल बड़ी महारत का काम है और ये हमारे लिए जो है वो प्राउड है, ये पूरी इनकी जो टीम है जो ये टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक से हम दुआ गो भी हैं। और मैंने इनको लास्ट एक दफा ये भी कहा था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हिदायत है हमें बिलावल साहब की कि आप नौजवान जो हैं वो या स्पोर्ट्स से कंसर्न जो लोग काम करना चाहते हैं तो हम उनको हर तरीके से वसाइल देंगे। मैंने हालांकि इनको ये भी कहा था कि एक लेटर लिखें, मैं कोशिश करता हूं कि आपको सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से आपको जो आने वाला जो बड़ा इवेंट होगा मेगा इवेंट होगा मैं आपको फंड भी रिलीज करके देता हूँ ताकि आप अच्छा इवेंट आप ऑर्गेनाइज करें और बेहतर नमूने से लोगों को जो है वो इस तरफ लेके जाए। क्योंकि हमारे इस माशरे के अंदर बात यह है कि लोग इस वक्त कंफ्यूज बहुत ज्यादा हैं, नौकरियां नहीं है, वसाइल नहीं है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, तो नौजवान जो है ना इस वक्त मुख्तलिफ जो इस गैप के अंदर जो है वो कंफ्यूजन का शिकार जब होते हैं तो नशे के आदी हो जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं,
तो उनको अगर आप कोई प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म के अंदर हम आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे और हमारा सपोर्ट करना बनता भी है। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला बिलाल से मैं राबते के अंदर हूँ। एक अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने इस पाकिस्तान को गिफ्ट किया है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद भी है कि इनकी जो काविश है, ये जिस तरीके से एक मुझे मेरी इनसे बात हुई, एक मोहल्ले में इन्होंने प्रोग्राम किया, फिर एक इलाके से बाहर निकले, फिर एक सिटी में किया, फिर शहर में किया, फिर पूरे पाकिस्तान में किया, पाकिस्तान से बाहर भी निकल गए। तो एक वक्त आएगा ये नाम इस मुल्क का रोशन करेंगे पूरी दुनिया के अंदर। बस सिर्फ हमें डर लगता है कि जो जो है ना वो कप्तान ना बन जाए बड़े होके कहीं वर्ल्ड कप ना लेकर आ जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है ना हमें 92 का हजम नहीं होता, तो ये कोई कप ना लेकर आ जाए। मुझे लगता है पीपल्स पार्टी को अभी तक नहीं आ जाऊंगा। नहीं, कब से मैंने बात की कि 1992 का कब जो है ना अभी तक पाकिस्तान की आवाम को और पॉलिटिशियनों को अभी तक हजम नहीं हुआ। तो ये कोई ऐसा कप ना लेकर आ जाए, उसके बाद यही बैठ के हम आपस के अंदर जो है वो तनकीद का एक दूसरे को इशारा बनाए। हमारी दुआ है कि आप कामयाब होकर आए। मुझे तो देखें सबसे ज्यादा ये है कि मैं नईम साहब का जो है बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि देखें हमें जो है ना जब कहीं से सपोर्ट नहीं आ रहा था तो नईम साहब ने जो है इवेंट में शिरकत करी, फिर उसके बाद काफी सपोर्ट आया भी, और फिर नईम साहब बेसिकली है भी पीपल्स पार्टी से, और इसमें मैं आपको भी बताता चलूं हमें जो पॉलिटिकल अगर सपोर्ट आया भी है तो ना सिर्फ हमें मतलब हमारे हर रेसलर को जो है सपोर्ट आया, तो पीपल्स पार्टी ने जो है मतलब स्पोर्ट्स को, जबकि जैसा इन्होंने कप्तान का नाम दिया तो बेसिकली स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना तो एक कप्तान का ही फर्ज है, ऐसे ही है। लेकिन कप्तान के जो जो होते हैं ना मेंटोर्स, तो उन लोगों ने मतलब हमें तो मतलब स्पोर्ट्स पर्सन्स को वो रिस्पेक्ट या इज्जत नहीं दी, तो जो हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से मिली, जो नईम साहब की तरफ से मिली, फिर एक और नाम है हमारे अवानुल्लाह मसूद साहब, तो उन्होंने अभी हमारे रिसेंटली तला अली नाम का रेसलर हमारा गया था नेपाल में, जो कि अभी आरजेडब्ल्यू का इंडियन और नेपाली चैंपियन भी बन गया है, डबल बेल्ट है उसके पास, तो उसको भी मतलब पीपल्स पार्टी का ही अवानुल्लाह मसूद साहब ने सपोर्ट किया, तो मैं तो पीपल्स पार्टी का बड़ा थैंकफुल हूँ, फिर नईम साहब का काफ़ी थैंकफुल हूँ, और अमानुल्लाह मसूद साहब का काफ़ी थैंकफुल हूँ कि इन्होंने हमारे स्पोर्ट के बारे में काफी सोचा भी और आगे हमें काफी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा नहीं, मुझे ये, कप्तान वाला जो मामला है ना, असल में दुनिया के अंदर दो कप्तान लोग भूलेंगे नहीं दुनिया के अंदर, और ये हमेशा जो है वो तारीख के अंदर किताब में लिखे जाएंगे। एक वो कप्तान जिसने टाइटैनिक डुबोया था, एक कप्तान हमारे पास इस मुल्क के अंदर भी है जिसने मुल्क में 3.5 साल डुबोया है, तो उस कप्तान की मैं बात कर रहा था, उस कप्तान की नहीं जो कप्तान आप बनेंगे। मेरी कहीं ना कहीं सियासी पॉइंट आपने निकालना जरूर है। अच्छा ये बताएं आप खेलों के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे अभी मुझे बताया है इन्होंने बिलाल ने, क्या एफर्ट्स कर रही है आपकी पार्टी? देखिए खेलों के हवाले से अगर मैं बात करूँ, क्योंकि बात ये है कि यहाँ हमारे पास वसाइल की कमी है, वसाइल जब नहीं होते तो मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। इक्तदार में ना आप लोगों को वसाइल की क्या कमी है? देखिए होता ये है कि आप कभी भी ना किसी भी मुल्क का जो है वो बजट होता है, जो साल के अंदर एक बजट दिया जाता है, सूबों का बजट होता है। अब होता ही है कि मैं आपको बताऊं, मैं लास्ट में एक मीटिंग के अंदर बैठा था, बल्कि दो मीटिंगें मैं अटेंड की थी, एक खेल से कंसर्न और दूसरी स्पोर्ट से कंसर्न। हेल्थ के कुछ मंसूबे ऐसे थे जो हमने उसको रोका था, और स्पोर्ट के कई ऐसे मंसूबे थे जिनको हमने ब्रेक किया था, ड्यू टू रीज़न ये कि हमने 2-3 चीज़ें एक साथ फेस कर ली, क्योंकि इंट्रो के अंदर भी बात हो रही थी कि कोरोना में अफेक्टेड ये भी हुए, तो कोरोना के अंदर पूरा पाकिस्तान अफेक्ट हुआ, हमारे तरक्याती स्कीमें थी, हमारे तरक्याती बजट थे, हमारे मुख्तलिफ जो है वो बड़े बड़े हमने इस मुल्क के अंदर इसको खासतौर पर कराची के अंदर कुछ चीज़ें डिलीवर करनी थी। कोरोना के अंदर बात ये कि हम बहुत नुकसान हमें उठाना पड़ा, हमें ब्रेक लगानी पड़ी। स्पोर्ट के कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जिस पर काम करना था, और उसके लिए बात ये कि हमने इस कोरोना के बाद देखें ना आलमी वबा, फिर नगानी आफात, अभी भी सिंध की अगर मैं बात करूँ 23 अजरा इस वक्त डिस्टर्ब है। अब बजट जो आपको दिया जाता है ना कॉमर्स बजट के अंदर रहते हुए, अब होता ही है कि नगानी आफात, कुदरती जो है वो आफात या आलमी वबाओं का एक छोटा सा बजट होता है, लेकिन अगर बड़ी कोई वबा आ जाए ना उसके लिए हमें मेंटली तौर पे फिजिकली तौर पे हम तैयार नहीं होते। अब कोरोना जैसी वबा के अंदर हमने अरबों रुपए जो है वो हमने इस कोरोना के अंदर सबसे पहले हमने कोशिश की कि क्वारंटीन सेंटर तैयार करें, आइसोलेशन सेंटर तैयार करें, डॉक्टर माहरीन हमने जो है वो इमरजेंसी अपॉइंट किए, डॉक्टर साथ में जो है वो जितनी जो नर्सेस थी हमने अपॉइंट की। तो कहने का मतलब एक तरक्याती बड़ा बजट इसके ऊपर चला गया, लेकिन स्पोर्ट के अंदर इंशाल्लाह ताला बात ये है कि जो माजी के अंदर यहाँ बहुत कुछ रुक गया था, अभी आप देख रहे हैं नेशनल स्टेडियम के अंदर, और खासतौर पर 35 साल से इस कराची के अंदर कई ऐसे बाग थे
ऐसे बगाव थे, बच्चों के स्पोर्ट के क्लब थे जो बंद पड़े थे, ताले लगे हुए थे। अच्छा, माशाल्लाह से बात करती हूँ नहीं कि स्पोर्ट्स मैदान के जो हमारे पास मौजूद हैं वो इस क्यों जो है वो बच्चों से छीन लिए जाते हैं या क्यों हुआ है, इससे भी मैं बात करूंगी, लेकिन एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, टी टाइम विद कॉमन। वेलकम बैक जी, टी टाइम विद कोमल में आपको फिर खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक के बाद वापस आ गए तो हम बात कर रहे थे खेल मैदान, ये सारी बातें हमसे नहीं डिस्कस कर रहे थे क्योंकि इक्तदार में जो शख्स मौजूद होता है उसको ज्यादा बेहतर पता होता है कि जी पाकिस्तान में या पाकिस्तान के मसाइल में ज्यादातर जो है वो क्या इशूज चल रही है। खेल के हवाले से मैं आपसे बात कर रही थी, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इतना फुकदान क्यों है इस चीज का? देखिए फुकदान उसकी रीजन ये है, उसकी वजह ये है कि यहाँ लोग अभी तक जो है वो परेशान हाल हैं इस मुल्क के अंदर कि गैस कब आएगा, बिजली कब आएगी, पानी कब आएगा। अब इनसे बाहर निकलते नहीं है तो फिर बात ये है कि लोग आगे के अपने अपने मजीद बेहतरी के लिए इन चीज़ों की तरफ जाएं। तो हमारे मुल्क के अंदर इन बहुत सारी चीज़ों की कमी है और आस्ते आस्ते वो चीज़ें ठीक होने जा रही हैं। खास तौर पे मेरी अभी जैसे बात हो रही थी कराची के अंदर जो ये मैदानात थे, क्योंकि यहाँ होता ही है कि हमारे पास यहाँ बलजाती जो है निज़ाम भी है, फिर सिंध गवर्नमेंट के पास भी कुछ इख्तियार हैं। बलजाती 2013 के अंदर ना कुछ इख्तियार हमने दे दिए थे मेयर कराची को। ये जितने भी बच्चों के मैदानात हैं खेलने के, ये खवातीन के लिए जो वॉकिंग ग्राउंड होते हैं या प्ले एरियाज जो होते हैं, मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स होते हैं, ये तमाम बलजाती एक के बाद मेयर कराची के पास थे। अब यकीन करें कि कम से कम नहीं गए तो 200 से ऊपर जो है ना, इस वक्त अगर मैं बात करूं, मैं दावे से बात करूं, अगर आप मेरे साथ कैमरा उठाएं तो 15 साल 20 साल 35 साल से बंद हुए हुए वो बच्चों के मैदानात जो अपना अल्हम्दुलिल्लाह मुर्तजा वाह भाई ने जो है खुलवाए हैं उनके ताले, और अब वो मैदानात सजना शुरू हो गए, खुलना शुरू हो गए हैं। वहाँ आप जूठे कराटे भी हो रहे हैं, वहाँ पर जो है वो स्पोर्ट के आपके फुटबॉल के मैचेस भी हो रहे हैं, हॉकी के मैचेस भी हो रहे हैं, फिर रेसलिंग से भी कंसर्न, क्योंकि इनको भी कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दे सकें। तो मैं आपके तवज्जो से इनको भी मैं वेलकम कहूँगा कि लेटर लिखें, इंशाल्लाह ताला मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी मिनिस्ट्री के साथ कि इनको जो है वो एक स्पेस दें जहाँ पर ये पूरे तरीके से जो है वो अप जो है लोगों को ये चीज डिलीवर करें, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला। स्पोर्ट तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री से बात ये कि पूरी दुनिया के अंदर ये इंडस्ट्री कमा के देती है, लेकिन हमारे पास यहाँ कमाने के सोर्सेज अगर हैं तो किसी ने इसमें अर्न किया तो वो हमारा एक सियालकोट है कि उनकी अगर बात करूं तो आज उनकी एयरलाइन इस स्पोर्ट से जो है वो आज बढ़ गई है। आज उनके पूरे पूरे शहर जो है वो आबाद उन्होंने कर दिए स्पोर्ट से कमा के। तो स्पोर्ट बहुत वसी जो है वो एक इंडस्ट्री है, इसमें मजीद काम करने की जरूरत है, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला ये नगानी आफात आलमी वबाएं इनसे बाहर निकले इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जी, इन सारी चीजों से हम बाहर निकलेंगे तो स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ करेंगे। अच्छा बिलाल, आप मुझे ये बताएं कि जो नए कमर्स आते हैं इनको शौक है रेसलिंग के लिए, क्या क्या एडवाइस करेंगे आप उनको? मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि देखें पाकिस्तान में जिस तरह अभी नईम भाई ने भी बताया कि वसाइल की कमी है, तो अब हमारे पास, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर टैलेंट जो है ना, क्योंकि देखें कोई भी कंट्री हो ना, सबसे ज्यादा टैलेंट पाकिस्तान में ही है, चाहे सिंगर हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, रेसलिंग कोई भी हो, तो हमारा टैलेंट जो है ना वो इसी वजह से पीछे हट जाते हैं। किसी को घर पर वही प्रॉब्लम है कि यार मैं घर का बड़ा हूँ, मुझे जो है जॉब करनी है, या मेरी पेरेंट्स जो है मेरी फीसेज अफोर्ड कर रहे हैं, मैं वो कर लूँ या ये कर लूँ, मुझे कोई इंजरी हो सकती है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि देखो कोई भी चीज़ जो है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, तो आप मतलब जो है उसको सेक्रीफाइस ना करो आप अपने, क्योंकि मैंने भी इसी तरह किया, मैंने अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू की है, मैं इवन जॉब भी करता हूँ अपने इस स्पोर्ट के लिए, मुझे किसी से सपोर्ट नहीं, मैंने खुद नहीं किया। तो हार्ड वर्क करो अपने ड्रीम के लिए, शौक रखेंगे तो खुद ही सपोर्ट करनी पड़ेगी। देखें एग्जैक्टली बात वही है ना कि आपको जब शौक है एक चीज का, देखें एक तो शौक होता है कि यार काश मैं रेसलर बन जाऊं, एक होता है कि नहीं मैं बैठ के सोचता रहूं या तो टीवी देख कर के यार मैं अंडरटेकर की तरह होता, मैं शॉन मैकल की तरह होता, एक होता है कि मैं इससे भी अच्छा मेरा अपना एक नाम होगा, मेरा अपना एक कैरेक्टर होगा। तो एग्जैक्टली देखिए छोटी सी लाइफ है, कुछ पता नहीं है, आप 40 तक जियो, 50 तक जियो या 60 तक जियो। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे ये बताएं कि आप रेसलर हैं माशाल्लाह, तो डरते होंगे लोग आपसे, फिजिक को देख के डरते हैं लोग? एग्जैक्टली जब मुलाकात होती है, इवन अभी तो खैर लुक काफी चेंज भी हो गया मेरा, तो वरना जब तक मैं किसी से बात नहीं करता तो लोग यही समझते हैं कि नहीं यार बड़ा कोई खतरनाक इंसान है, इससे बात नहीं करो। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह जब किसी से बात होती है तो इम्प्रेस होते हैं, ये कहते हैं नो यार यू आर अ जेंटलमैन। अच्छा बात करने के बाद पता चलता है कि जेंटलमैन है।
खातीन भी करती हैं बातचीत एक्जेक्टली क्यों नहीं डरती होंगी बाप से अब यार तो रेसलर है क्या बात कर रहे हैं हम इससे उनको मना होता है उनको मना होता है उनको मना होता है नहीं क्योंकि जरा सा लुक ऐसा आ गया ना खातीन घूमी है जो बात नहीं करेंगे इस मुल्क के अंदर बात ये ना कि खातीन ही है जो बात करती है मर्द क्यों करते हैं बात मर्द तो सुनते हैं बेचारे नहीं नहीं इस वक्त जो है ना तो हमारी घरेलू खातीन है उनसे बात नहीं करती क्यों भाई इसकी क्या वजह है वो डंडों से ही बात करती अच्छा पाकिस्तान में दो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं मैं जरा नेम साहब की करेक्शन कर दूं सियासी हजरत आप कोई भी चैनल लगा लें आपको बोलते हुए नजर आएंगे और आप कहते हैं कि खवातीन ज्यादा बोलती हैं असल बात ये कि बोलना फनी होता है अच्छा बोलना फन अच्छा बोलना फन होता है और किसी ने कहा तो आलिम जो है ना कभी भूखा नहीं रहेगा उसकी वजह जुबान की खाता है और जुबान एक ऐसी चीज है जो आपको आसमान पे भी चढ़ाती है और वही जुबान आपको मार भी खिलाती है तो जुबान ठीक रखें ना औरतें मारे ना औरतें मर्दों ने मार खाएं तो जुबान अपना जो है वो अपना एटीट्यूड अपना वे ऑफ टॉकिंग अपना कोशिश करें कि आप अच्छे इखलाक से हमें तो दर्स दिया है बड़ों से शफ़क़त तो छोटों से मोहब्बत से पेश आने का और यही हमारा दीन भी कहते हैं अच्छा ये नहीं सबको मैसेज था ठीक है आप इसको जब ये ऑन एयर जाएगा ना तो ये आपको मैसेज मैं इसी तरह से इसको दूंगी नहीं रहती है फिर मैं देखूंगी कि खवातीन आपके बारे में क्या कहती है नहीं खवातीन तो हम मुझे तो कल किसी ने कहा था कि बताओ कि कराची के अंदर कौन सी ऐसी चुरंगी है जो बड़ी मशहूर है मैंने कहा खवातीन के नाम से दो हैं बल्कि एक कॉलोनी है उसका नाम है भैंस कॉलोनी और दूसरी नागन चुरंगी ये दो चुरंगी ऐसी हैं जो खवातीन के नाम से कराची वालों ने अलग से रखी हुई है तो खवातीन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते नहीं नहीं खवातीन लाजमी सी बात है हमने भी घर जाना है और घर के अंदर खाना भी खाना है दफा लाइव शो में मैंने क्रिटिसाइज किया था तो बड़ी मार पड़ी थी नहीं नहीं लाइव शो में पड़ी थी और ये डिसिप्लिन का बड़ा मुजाहरा करती है और माशाल्लाह से एक अच्छा शो है इनका और शो का जो नाम इन्होंने रखा है वो शो का नाम भी एंटरटेनमेंट है रियलिटी आपको बताऊं या तो एक मजाक है और मेरा ख्याल है आपके तवज्जो से जो लोग देख रहे हैं इसको मजाक ही समझें और जिंदगी के अंदर ये जो खुशगवार जो लम्हात आते हैं ना ये बहुत कम आते हैं हंसी के मुस्कुराहट के वरना तो आपको बताऊं चेहरे वो कहते हैं ना बड़े जालिम में तेरे शेर के लोग और बड़े जालिम में मेरे शेर के लोग कत्ल करते हैं पूछते हैं जनाजा किसका है वरना कराची के लिए तो ये शेर भी बड़ा मशहूर है सही बात है अच्छा जी बड़ी मजेदार हमारी गपशप रही नहीं ममान साहब से भी आपने हमेशा इनको हमारे पास देखा होगा सियासी बहस वैसे में तो कभी इन सारी चीजों से हट के भी इंसान को बात करनी चाहिए बिल्कुल तो हमने कोशिश की कि आपको एंटरटेन कर सकें कुछ ऐसे पहलू आपको दिखा सकें कि अगर हम कहीं गपशप करने बैठते हैं तो किस तरह से हम गपशप करते हैं तो काफी एंटरटेनिंग रहा ये आज का एपिसोड तो आप कोई मुझे आखिरी मैसेज जो यंगस्टर्स को देना चाहें जो रेसलिंग करना चाहते हैं जो आना चाहते हैं कोई एक ऐसा मैसेज उन्हें देने चाहिए मेरा एग्जैक्टली यही मैसेज है जो मैं थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि भाई अगर आप कोई ड्रीम देखते हो क्योंकि वही छोटी सी लाइफ है आप एक दफा जो आपने सोचा क्या है मेरा एक गोल है क्योंकि किसी की भी जिंदगी का जो है ना बेमकसद नहीं है सबका एक मकसद होता है तो यार आप जो बनना चाहते हो इवन आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हो आप एक्टर बनना चाहते हो क्योंकि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही प्रोफेशन नहीं है अगर सब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही बनेंगे ना तो बाकी कौन संभालेगा सही तो आप जो है उसके लिए उठो मेहनत करो जैसे नई मेहमान साहब ने बताया कि भाई उनको भी पेरेंट्स ने जो है मतलब सपोर्ट नहीं किया फैमिली की तरफ से रुकावट आई मुझे ईशान को हमें फैमिली की तरफ से रुकावट आई तो यह है कि देखो चीज़ें फेस करना पड़ती है तो हुएवर जो भी आपको बनना है मतलब मैं पेरेंट्स को भी यही एडवाइस करूँगा कि अपने बच्चे की अगर वो डाकू या गुंडा बनने की बात करते हैं कि हमारे पास इंडियन मूवीज का इन्फ्लुएंस बहुत होता तो बच्चा कहता है मुझे खलनायक या माया भाई या जो भी न्यू वो आता है मतलब इंडियन मूवी बनना तो उसके लिए तो डेफिनेटली रोको लेकिन अगर आपका बच्चा पॉलिटिशियन क्योंकि पॉलिटिशियन भी देखें कोई बुरा पेशा नहीं है क्योंकि मुल्क चलाता पॉलिटिशियन है अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो डेफिनेटली फिर मुल्क का यही हाल होगा जो अभी हम देख रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो पॉलिटिशियन बनना चाहते हो किसी भी फील्ड में आ जाते हो पेरेंट्स उसको सपोर्ट करें मोटिवेट करें ताकि फिर वो बच्चा भी जो है ना उसको सीरियस ले और आगे बढ़ सके बिल्कुल जी बड़ा अच्छा मैसेज दिया बिलाल ने कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें सपोर्ट वालदैन की बहुत ज़रूरी होती है किसी भी फील्ड में अगर आपका बच्चा जाना चाहता है तो आपको चाहिए कि आप उसे सपोर्ट करें जिशान कोई आपका लास्ट मैसेज जो आप अपने पब्लिक को देना चाहते हैं अपने फैंस को देना चाहते हैं मेरा लास्ट मैसेज ये है कि हमारी व्यूअरशिप बहुत है माशाल्लाह से अब पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी
और काफी लड़कियां यंगस्टर्स हैं जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं आरईडब्ल्यू को, तो वो एक घर सोच के हमें देखते हैं कि हम इनको कैसे ज्वाइन करें। काफी इजी है, और आप आरईडब्ल्यू के पेज पे आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें। और उन लोगों से जो बनना चाहते हैं, उन लोगों से मैं ये भी कहना चाहूंगा, आप लोगों के वीनस एचडी के चैनल से जो आपका शो है, तो काफी कंपनीज हैं जो हमसे सीख के गई हैं। सियालकोट में भी हमसे लड़का है, सीख के गया है, वो अपनी चला रहा है। रहीम यार खान से भी कोई आया था, वो मतलब कराची में नहीं, वो आउट ऑफ कराची आया, हमसे सीखा और वो गया। लाहौर में भी एक कंपनी हम लोगों की तवस्सुत से ही चल रही है, और कराची में एक और भी है। तो ये सब आरईडब्ल्यू के तवस्सुत से चल रही है, हम लोगों ने सिखाया है यहाँ पे लड़कों को। तो यही है कि जो सोचता है ना कि मैं किस तरह करूँ, वो हमारे पेज पे कॉन्टेक्ट करे, और अगर वो रेसलर बनना चाहता है तो आके हमसे ज्वाइन करे, तो उसके लिए बेहतरीन फ्यूचर है जी। अगर आप रेसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है वो जीशान का पेज ज्वाइन करें, आपको तमाम जो है वो डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस तरह से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से आप रिंग में आ सकते हैं। मेरे तमाम आज़ीज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू रहीम, आप भाई आपने टाइम निकाला मेरे लिए, थैंक यू सो मच। बिलाल, जीशान, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटी सी कोशिश करती हूँ मैं कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा इंटरटेनिंग कुछ ऐसा हो कि आप उसको देखें, उसको पसंद करें, और उसका अच्छा फीडबैक भी आता रहता है मेरे पास। तो एक छोटी सी एक काविश ही होती है कि आप लोगों का दिन अच्छा गुजरे, आप लोगों का मूड अच्छा रहे। सो इसी एक अच्छी काविश के साथ, अच्छी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट टाइम आपसे सेम टाइम सेम चैनल और सेम गेस्ट, तो मैं नहीं कहूँगी, गेस्ट मेरे पास चेंज हो जाते हैं, तो आपसे इंशाल्लाह ताला नए एपिसोड में मुलाकात होगी। सो स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़।